शिवा का अपने मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिव के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम, शिवजी द्वारा गणेश का श्रेष्ठ छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाना, देवताओं और ऋषियों का सत्वन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए बिना जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, प्रजानाथ हैं। मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पनांतर की कथा थी। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक तुम श्रवण करो। एक समय पार्वती की जया विजया नाम वाली सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के आज्ञा पालन के तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं उन्हें भी हमारा कोई नहीं है, वे सब भी शिव ज्ञान परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे भी हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देख कर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई और उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों को वचन को हितकारक तथा सुखप्रदा माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा के तत्पर रहने वाला हो, उसमें तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यूँ विचार कर पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसा चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके भी सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल परम शोभायान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वे पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर पार्वती ने शंकर के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को मुख चूमा और कृपा पर वश से छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद,
तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगी। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने चली गई। उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण थे, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता के आगे के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो, इस समय यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता, मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के इस गण से उसे समझा कर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिव गण के ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छल है होकर शत्रु की भांति बक रहा है। इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो। विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पे वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वार उन्हें रोके जाने पर शिव ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगा मेरे को बताया कि यह श्री गिरिराज के गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाही तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा, इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित ना कर सके। तब स्वयं शूलपाणि महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों को स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अनंत गोतवा स्वयं शूलपाणि महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब विक्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का यह ज्वालामान तेज सभी दिशाओं को दग्धा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुँचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता मुझ महामना के साथ सलाह करने के लगे, इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रेम पूर्वक प्रसन्न करते हुए अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारम्बार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगणों की आज्ञा से ऋषि बोले, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिनंदन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो, तुम्हें सदा सारी सृष्टि की निर्माण कर्त्री पालिका शक्ति और सहार करने वाली हो, देवीशी तुम्हारे कोप से भारी त्रिलोक की विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूँ तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमल में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है,
अति क्षमा करो अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग यहाँ ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सबका अपराध क्षमा करो शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देव ऋषियों कहकर अंतिम दीन भाव से व्याकुल हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार आया। तब ऋषियों से बोली, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो सहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे सभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने पार्वती के यूँ कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवता के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सकता है वही करना चाहिए, अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट कर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने यह सारा वृतांत संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब तो अकरना आपका शेष है, आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव आज्ञा का पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं आपका वही वह तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक को प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अंतिम सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग सारा हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और अपनी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती को परम प्रसन्न हुई। इस प्रकार कुमारखंड का शिव गणेश उत्पत्ति का अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव।